स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा जैन, आपकी दोस्त और होस्ट। और आज मैं आपके लिए जो स्पेशल वीडियो लेके आई हूं वो है एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी का। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने अब तक मुझे सपोर्ट किया है वैसे ही आगे भी करते रहिएगा। और मेरे वीडियोज़ के जो भी आपको एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी बच्चों के दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज बनाने के लिए आज हम बना रहे हैं ठंडाई। तो आइए ठंडाई बनाना स्टार्ट करते हैं घरेलू सामग्री से। सौंफ, दाना सौंफ 1 छोटा कप, गुलाब की पत्तियां, पंखुड़ियां दिख सकते हो थोड़ी सी, जितनी आपको अच्छी लगे। काली मिर्च, साबुत काली मिर्च 20 से 30 पीस, मगज के बीज 1/4 छोटा कप। जिस कप से हमने सौंफ मेजर की थी उसी कप से मेजर करके मैं सारे इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे डाल रही हूँ। बादाम 7 से 8 पीस, बादाम ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हो। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पानी डाल देते हैं। एक पानी से हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको छकनी से छान लेंगे, पानी को स्ट्रेन कर देंगे और दोबारा से पानी डाल करके भिगो करके छोड़ देंगे और लगभग 6 घंटे तक इनको भीगने देते हैं। पानी इतना होना चाहिए कि ये अच्छे से भीग जाए, यानी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी इनकी क्वांटिटी है उसे डबल पानी में आप इनको भिगो करके रख दीजिए। ठंडाई को भिगाए हुए हमें लगभग 6 घंटे से 8 घंटे हो गए हैं और ये अच्छी तरह से भीग करके फूल करके आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बादाम थे भिगे हुए इनको हम छील लेते हैं। इनका हम छिलका अलग कर देंगे और इनको हम छील लेंगे। सारे बादाम को मैंने छील लिया है इनको अच्छी तरह से। और अब मैं यहाँ पे दूसरा पैन दूंगी और इसके अंदर जो इसका सारा पानी है वो स्ट्रेन कर देंगे। तो ये मैंने पानी को स्ट्रेन कर दिया है। अब ये हमारी असली ठंडाई है और इसको हम अब हम एक जार लेते हैं और जार के अंदर ये पीस लेंगे। जितनी हमने सौंफ ली थी इस कप से मेजर करके उससे डबल हमने मिश्री ली है। मिश्री हमारे पेट के लिए बहुत ही ठंडी होती है। इसका सारा पानी स्टेन कर दिया है। अब ये हम जार लेंगे और जार के अंदर सारे जो हमारी ठंडाई है उसको अच्छी तरह से पीस लेंगे, इनका अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। इसको हमें, अगर आप चाहें तो आप जो हाथ का पीसने वाला जो सिल्ला लोढ़ा होता है उस पर भी आप इसको पीस सकते हैं। उससे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए ये लाभदायक होती है। पर चूंकि आजकल हमारे पास में हम मिक्सर में ज़्यादा यूज करते हैं तो इसे आप मिक्सी में भी पीसा जा सकता है। तो मैंने सारे बैटर को मिक्सी में डाल दिया। थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और जो ये मिश्री है इसको हम दूध में भिगो देते हैं। तो अब हम इसको पीस लेते हैं और दूसरी तरफ में हम मिश्री को भिगो के रख देते हैं। हमने अपने ठंडाई के मिश्री को पीस लिया है, आप देख सकते हैं।
और इसी तरह से चाहे मिक्सी जार में आप पीसें चाहे आप सिरला पे पीसें, तो इसी तरह से आपको भी बिल्कुल बारीक, जितना बारीक आप पीस सके उतना बारीक पीस लें, ताकि इसमें जो वेस्टेज ज़्यादा ना जाए। जब हम इसको अभी हम इसको छानेंगे तो इसका बिल्कुल भी वेस्टेज पार्ट्स नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपनी ठंडाई को छानना है। ठंडाई में मैंने टोटल 2 गिलास पानी यूज किया है और 2 गिलास दूध यूज किया है। ये 4 लोगों के लिए ठंडाई बनी है। तो अब आप देख सकते हैं, पानी डाल करके पहले ठंडाई को छान लिया और उसके बाद में दूध को भी इसी तरह से डाल करके पूरी ठंडाई को अच्छी तरह से छान लिया है। अब जो लगभग 1 चम्मच के करीब इसका ऊपर का मोटा जो है बैटर निकलता है, ये जो सौंफ होती है उसके छिलके होते हैं, तो इसे आप निकाल दें। इसका जो कस है वो निकल चुका है, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, तो इसे निकाल देते हैं और हम अपनी ठंडाई को सर्व करते हैं। इसके अंदर अब मिश्री मिली हुई है। अब आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स, अगर ऊपर से आप कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, थोड़ी देर के लिए वो सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप पीने के लिए ग्लास में सर्व कर सकते हो। तो ठंडाई बनकर के बिल्कुल तैयार है, वह हेल्थ के लिए बहुत ही एनर्जीदायक है। आप इसे अपने घर पे जरूर बनाएं। तो अब हमने ये 2 गिलास लिए हैं और इस तरह से हम अपनी ठंडाई को इंसर्ट करेंगे। ये हमने 4 से 5 लोगों के लिए ठंडाई बनाई है। इसके अंदर हम डालेंगे आइस क्विक्स और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैंने पिस्ता से इसको गार्निश कर दिया है और अब हमारी जो ठंडाई है वो पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।